Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Monkeybot Prime Minister, what do you want? What do you want to finish me? Can you do it? Never and ever. हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो सुना आपने ममता बनर्जी को, प्रधानमंत्री मोदी को ललकारती हुई, चेताती हुई कि न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, चाहे आप कुछ भी करें। और साथ में ये उस आईएएस अधिकारी को दिल्ली भेजने से इनकार करते हुए कुछ घंटों के भीतर उस आईएएस अधिकारी के रिटायरमेंट को क्लियर करते हुए प्रधान सलाहकार बनाने का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की उस सत्ता को चुनौती दे दी, जिस सत्ता ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को आज सुबह 10 बजे दिल्ली दरबार में हाजिर होने का निर्देश दिया था। बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को आज दिल्ली पहुंचना था, सुबह 10 बजे यहां उन्हें हाजिरी लगानी थी, लेकिन कुछ घंटे के भीतर ममता बनर्जी ने वो दांव चला जिसका अंदाजा न मोदी को होगा, न शाह को होगा, न उनके सलाहकारों का होगा। अब वो मुख्य सचिव, वो आईएएस अधिकारी जिन्हें सबक मोदी सरकार सिखाना चाहती थी, वो आईएएस अधिकारी अब आईएएस अधिकारी नहीं है, रिटायर हो गए और अब ममता बनर्जी के 3 साल के लिए प्रधान सलाहकार है। यह सब चंद घंटों में हुआ। दाव पेच, जिसे कहते हैं ना, तू डाल डाल तो हम पात पात। कुछ दाव मोदी सरकार की तरफ से, जवाब ममता बनर्जी की तरफ से, और आखिरकार अगर कहें तो जीत ममता बनर्जी की हुई। जो तस्वीर